छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोरोना को रोकने का सरकार सिर्फ प्रयास कर सकती है, लेकिन लाइलाज कोरोना से निपटने के लिए जन सहयोग बेहद ही जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर लगाए गए वित्तीय अनियमितता के आरोप पर सिंहदेव ने कहा कि उनकी संपत्ति में अचानक हुई 10 गुना इजाफे को जनता के सामने लाना जरूरी है। रमन सिंह की छवि बेदाग रही, लेकिन उनकी कार्यकाल के बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। गौधन न्याय योजना को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सिंहदेव का कहना है कि इस योजना को लेकर बीजेपी सवाल ना ही उठाए तो अच्छा है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ हैं। सिंहदेव साहब, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैं कोरोना से ही बात करूंगा, और करीब शतक मार रहा है कोरोना मौतों के मामले अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो कितना मुतमईन हो छत्तीसगढ़ की जनता उसके स्वास्थ्य के प्रति, और क्या तैयारियां हैं आपकी? कोरोना का संक्रमण एक ऐसी सच्चाई है कि इसको खत्म कर पाना मानव के हाथ में आज संभव नहीं है। कोई ऐसा इलाज अभी तक आविष्कृत नहीं हुआ है कि जो कोरोना को रोक सके, उसकी समाप्ति इत्यादि की जो बात आती है, इसको रोकने का अभी तक कोई साधन मानव के पास नहीं है। शासन और प्रशासन जो प्रयास कर रही है कि इसके फैलने को हम रोक सकें, और उसके लिए लोगों को समझाना, बताना, व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से अलग से बनाना, लॉकडाउन इत्यादि कुछ प्रयास होते हैं, दूरियां बनवाना, प्रशासन से ये सुनिश्चित करना बहुत कठिन काम। आप सब्जी बाजार में जाके देखिए किस तरह से लोग उपस्थित हो जाते हैं, असंभव सा हो जाता है प्रशासन के लिए कि उसमें व्यवस्था बना सकें। तो यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि उसको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। और शतक की जो बात आपने की, ये एक दुर्भाग्यजनक 100 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ ने भी कल रात को 104 पार किया। उन राज्यों में भी जहां कोरोना के प्रकरण सबसे कम थे, केरल छत्तीसगढ़ करीब करीब 7 चल रहे थे, आज केरल में भी 120 का आंकड़ा कल पहुंचा। गोवा जैसे प्रांत में, छोटी सी जगह है, वहां भी 60 मृत लोगों की संख्या पार हो गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हाथ में नहीं है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो वो हाथ में नहीं है। जो सरकार के हाथ में है वो यही प्रयास है कि उसको फैलने से आप रोक सकें। छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में 4 शहर हैं जहां इसका संक्रमण बहुत ज्यादा दिख रहा है। तुलनात्मक राजनांदगांव, आप रेल मार्ग से आइए, मुख्य शहर है छत्तीसगढ़ के, दुर्ग, रायपुर जो सर्वाधिक है, और बिलासपुर। ये 4 शहरों में जहां आबादी घनी होती है, जहां बाहर से लोग सबसे ज्यादा आना जाना करते हैं, और शहर के लोग जानकारियां भी उतनी साझा नहीं करते, शहर के लोग टेस्टिंग इत्यादि से भी थोड़ा झिझक ज्यादा है, लोगों को भी झिझक है, तो इनके बीच में जो परिस्थिति बन रही है वो खास करके इन 4 शहरों के लिए सरकार के लिए भी चिंताजनक। आपकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, और वो वाकई हकीकत भी है कि जन सहयोग के बिना इस पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है, और आप बता रहे हैं 4 शहरों में खासा बढ़ गया है। तो क्या आप अपील करते हैं जनता से कि क्या सहयोग सरकार को वो दे, और किस तरह से अपनी भागीदारी निभाए और खुद की जान की रक्षा कर सके? इसमें शुरू से ही जो बातें हो रही हैं, और 3 ही विकल्प इसमें मुख्य रूप से हैं। देखिए, क्योंकि हम कहते हैं कि अस्पताल में जाते हैं तो दवाई इत्यादि दी जाती है, दवाइयां देते हैं, ये कुछ सहायक काम करती हैं, टॉनिक के रूप में काम करती हैं, इलाज नहीं है। तो रास्ता इसको फैलने से या संक्रमित होने से बचने का वही है। चीजें बहुत छोटी और सरल दिखती हैं, व्यवहार में लाना कठिन होता है। हाथ धोना साबुन से 5 बार दिन में, दूरी मेंटेन करना, जब आप बाहर जाते हैं तो दूरी मेंटेन करना जो 6 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, मास्क लगातार पहने रहना, हर व्यक्ति को, संक्रमित हो वो भी, ना संक्रमित हो वो भी, संक्रमण दूसरे को ना दें, दूसरे से ग्रहण न करें, ये 3 ही चीजें हैं जो अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, और उसी के लिए जन सहयोग भी होता है। घरों में जाके हाथ धो रहे हैं कि नहीं ये देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन बाहर कम से कम मास्क पहना है कि नहीं, दूरी है कि नहीं, इसमें केवल पब्लिक के सिर पे छोड़ देना कि नहीं भाई आप जानो, आप नहीं कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो, ये पर्याप्त नहीं है। शासन और प्रशासन होता ही इसलिए है कि जब आवश्यकताएं पड़े
तो आप नियंत्रण भी करें, तो सरकार को भी अपने तरफ से ये पहल करनी पड़ेगी कि इन चीजों को लागू करें। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो हम क्या करें कि वो गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, सरकार का भी काम बनता है, गाड़ी वाले का भी बनता है कि हम धीमे से चलाएं या सुरक्षित तरीके से गाड़ियां चलाएं, और सरकार का भी बनता है जिम्मेदारी कि आप नियंत्रण ऐसा रखें कि एक्सीडेंट कम से कम हो। तो वही बातें। अब थोड़ी सी राजनीति की भी बात कर ली जाए तो कल जो रमन सिंह पे आरोप लगाया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पे कांग्रेस ने, ऐसा लगा कहीं ना कहीं जैसे बेमौसम बरसात सी हो गई, क्योंकि मामला इनकम टैक्स में है और ईडी में भी है, तो तमाम चीजें जो है, आखिर कांग्रेस ने ये आरोप अचानक क्यों लगाया या इन घावों को फिर से ताजा क्यों? बात सामने आई होगी, उनके आय में एक 10 गुने की वृद्धि दिख रही है, तो आज के युग में राजनीति में कोई व्यक्ति कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता पब्लिक परसेप्शन बनाने में कि उनकी एक छवि रही कि कोई दाग वैसा विशेष नहीं लग पाया, हालांकि बड़े बड़े स्कैम उनके समय में आए, व्यक्तिगत तो उनके तक नहीं आ पाए, उनके लड़के तक मामला आया, विदेश में बैंक अकाउंट खुला था, अभिषेक सिंह पता उनके घर का, व्यक्तिगत तो उनके ऊपर कोई बात नहीं आ पाई थी। तो आज की राजनीति में जहां इन बातों को अगर सामने आए तो लोगों के बीच में उठाना एक तरीका सा बन गया है राजनीति का, तो ये बात अगर आई होगी कि 10 गुना आमदनी एकदम से बढ़ गई उनकी, वह स्रोत क्या थे? छत्तीसगढ़ में गोधन योजना शुरू की गई है, काफी यूनिक योजना नजर आती है, लेकिन बीजेपी जो है इसमें भी तरक्की को लेकर सवालिया निशान उठा रही है। इसमें बीजेपी को तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, शायद उनको मालूम नहीं होगा कि केंद्र सरकार ने ही गौधन योजना को पंचायती राज विभाग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा बना के लॉन्च किया था, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, और ये तो ऐसी बात है कि बीजेपी को खुद नहीं मालूम कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ सरकार जो इसको लेके पहले से ही चल रही थी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को ऑर्गेनिक मेन्योर का इस्तेमाल करना, पशुधन की एक स्थान देना, सुरक्षा देना, और गोबर का इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ना, जो छत्तीसगढ़ सरकार मैनिफेस्टो के माध्यम से चुनाव में लाई थी, उसको इनने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया कि जो गोबर है उसको मोनेटाइज किया। गोबर है, पड़ा रहता है, आप इस्तेमाल करते हैं, जमा करते हैं, घर का लिपाई पोताई है, कंडे बनाना है, कुछ लोग खाद भी बनाते हैं, बड़े किसान या जो भी लोग खाद भी उसका बनाते हैं और उसका उपयोग भी करते थे। इसी प्रथा को एक सोची हुई रणनीति के माध्यम से, जो स्वच्छ भारत मिशन का भी एक प्रोग्राम था, उनने उस स्वरूप में नहीं दिया। यहाँ सरकार ने कहा कि हम 2 रुपए किलो में गोबर को खरीदेंगे, इसका कंपोस्ट बनाएंगे, और वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद में हम इसको 8 रुपए में बेचेंगे। अभी विचार हो रहा है उसकी राशि को बढ़ाने का भी। तो कच्चे गोबर को सुखा के वर्मी कंपोस्ट बना के ऑर्गेनिक खाद के रूप में यूज करना, रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना, ये एक बड़ी पहल जिसका आर्थिक पहलू भी है। खेती किसानी के लिए गोबर खाद का या ऑर्गेनिक मेन्योर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने आप में एक वैश्विक विचारधारा और प्रयास चल रहा है कि रासायनिक खाद से हटके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। भूटान जैसे देश ने तो कंपल्सरी कर दिया, कई और राष्ट्र हैं, राज्य हैं जो प्रयास कर रहे हैं इसको प्रमोट करना, इसको कैसे करना, वो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोबर की कीमत लगा के उसको ठोस रूप देने की बड़ी पहल की है, जो इसको देखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा कि गड़बड़ी ना हो। जब पैसे आते हैं और पैसे की बातें होने लगती हैं तो गड़बड़ियां भी पीछा करती हैं, तो उसको रोकना थामना, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छी ये सोच है कि जो किसान है, जो गोबर की कीमत उसको नहीं समझ में आती थी या मिलती थी, कहने में ही होता था कि गोबर खाद बनाओ, आज सीधा कच्चा गोबर आप बेचेंगे तो 2 रुपए किलो मिल रहा, तो एक आमदनी बन रही। फिर एनजीओ जो उसको प्रोसेस करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उन बहनों को आमदनी मिलेगी। कृषि ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सोचा समझा पहल जो चुनाव के समय से हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसका ठोस स्वरूप
खासकर राम मंदिर के बाद अगर बात की जाए तो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बीजेपी आक्रामक हो रही, कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, एमपी की बात करें अगर कमलनाथ जी कृष्ण भक्ति करें, हनुमान भक्ति करें, राम भक्ति करें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें आप लोग राम वन गमन पथ को लेकर करें तो बड़ा एक तरह से उपहास सा वो उड़ाती है, इस बारे में क्या कहें? राजनीति में जैसा अभी पहले भी बात आया कि आजकल मीडिया प्रेजेंस ये एक मायने रखने लगी है, मार्केटिंग, आप चाहे साबुन बेचो ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं उस प्रकार का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करके लोग चल रहे हैं। पहले हम प्रोडक्ट्स को देखते थे, शायद राजनीति में भी लोगों ने उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स के चलन को और प्रचलन को उपयोग करने का सोचा कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट करें। तो उस प्रोजेक्शन में एक हिस्सा धार्मिक भावना का भी आ गया, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर मूवमेंट, उन्होंने ये कोशिश की कि ये हम हथिया लें। एक पार्टी ने प्रयास किया कि वो राम जो हमारी जीवन शैली के हिस्से थे, जो हमारे धार्मिक संस्कार के अभिन्न अंग थे, जो परंपरागत धार्मिक भाव हमारे देश में बना हुआ है उसके अटूट आधार थे, उसको हम ले लें कि राम मंदिर राम हमारे, तो एक भावना बनाने का जो प्रयास किया उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखा। दो सीट में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी ने, ये अयोध्या के लिए एक यात्रा लॉन्च की और उसके ऊपर उन्होंने अपने राजनीति को मढ़ने का प्रयास किया। कांग्रेस उस समय भी देख रही थी, कांग्रेस के ही हमारे जो अगुवा थे राजीव जी, उन्होंने इस मंदिर के दरवाजे खुलवाए। इस मंदिर के दरवाजे खुलवाने के रिएक्शन में बीजेपी ने कहा, इनने तो सहज उसको खुलवाया कि एक इशू है चलो उसको खोलो, इन्होंने कहा कि अरे ये तो कांग्रेस के पक्ष में ना आ जाए, हम ये रथ यात्रा चलाएं, इसको हम मुद्दे को हम ले लें, बीजेपी ले ले, जैसे उन्होंने सरदार पटेल को लेने की कोशिश की, कभी कभी गांधी जी को लेने, और मुद्दे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनको अपने दायरे में समेटने का प्रयास। तो जब ये राजनीति में कहीं ना कहीं कोई प्रभाव करता हुआ दिखता है, ये थोड़ा ना कि दिग्विजय सिंह से ज्यादा धार्मिक कौन व्यक्ति होगा, मेरा भाई जितना पूजा करते हैं, मेरे माता पिता जितना पूजा करते होंगे उतना मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा, जो पद्धति हमारी जीवन शैली की थी आज उसको दिखाने की जरूरत महसूस होने लग गई है कि मान लो कि कांग्रेस किसके बारे में बात नहीं करती तो किसी प्रकार से धर्म से कांग्रेस दूर है, ये तो धर्म जिस कांग्रेस के विचारकों का, जिस गांधी जी ने गोली लगने के बाद जो नाम लिया हे राम, जिस राम का नाम लिया उस कांग्रेस को आज दुर्भाग्य से ये दर्शाना पड़ रहा है कि धर्म से हम दूर नहीं, हम कहीं ज्यादा धार्मिक पद्धतियों का पालन करते होंगे शायद उन लोगों से जिन्होंने पहले जय श्री राम कहा वो नारा ही बदल दिया, जय सिया राम हो गया, अब कुछ और हो गया। तो ऐसे वातावरण में जहां आपको सामने शायद दिखने की भी जरूरत हो तो ये फिर चीजें आ जाती हैं कि आयोजन होते हैं, पंडालें लगती हैं, दुर्गा पूजा से लेके गणेश पूजा से लेके ना जाने कितने धार्मिक त्योहार होते हैं, आप देखेंगे कि कांग्रेसी भी उसमें शामिल हैं लेकिन वो पंजा छाप नहीं लगाए रहते, प्रेजेंस को दिखाने लगते हैं कि मान लो वो कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाने में पिछड़ रही है। कांग्रेस ने सोचा नहीं कि इसका ऐसा प्रभाव भी हो सकता है कि ये कोई धर्म जैसी चीज भी प्रोडक्ट बन सकता है या बनाया जा सकता है, ये जरूर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये कोई बताने की चीज है कि हम राम जी को अपने जीवन का आधार मानते हैं और पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन शैली हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए, इसको कोई बताने की जरूरत है, लेकिन कि नहीं कांग्रेसी तो इसमें नहीं है, हम इसमें हैं, मतलब कांग्रेस नहीं है, तो ऐसा वातावरण बनने लगता है तो कहीं ना कहीं फिर उसको सही करने की भी जरूरत पड़ने पड़ेगी। मैं समय निकाल के स्वराज एक्सप्रेस से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक राय अपनी स्वराज एक्सप्रेस के साथ साझा की। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।